कहानी के शुरू में हम दो चोरों को देखते हैं जो जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें चोरी कर रहे थे। तभी उधर एक चोर को दरख्त पेड़ से आवाज आती है। वो डर जाता है और भागने लगता है। उधर ही एक पेड़ से एक औरत गिरती है जो प्रेग्नेंट थी। दरअसल उसके पेट में एक क्रिएचर का बच्चा था जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। तभी उधर एक आदमी आता है जो उन चोरों को शूट करके मार देता है क्योंकि उन्हें क्रिएचर का पता चल चुका था। फिर इसके बाद कहानी में हम जेसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डैड को लेने के लिए आया हुआ था। जेसी के डैड के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी कल्ट के मेंबर हो। कल्ट यानी वो लोग जो जादू पर यकीन रखते हैं। जाते हुए गाड़ी में जेसी के डैड उसे बताते हैं कि वो एक मोटेल के मालिक है। उसने दूर एक घर लिया हुआ है जहाँ पर क्रिमिनल्स आते हैं, मतलब जो लोग बुरा काम करते हैं वो उस जगह पर पुलिस से बचने के लिए आते हैं। वो गाड़ी में जेसी को उसकी मॉम की सीक्रेट का एक पैकेट देते हैं कि ये तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी है और यही वजह थी कि तुम्हारी माँ की जल्दी मौत हो गई। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो एक क्रिमिनल था और पुलिस से बचकर बॉर्डर को पार करना चाहता था। जेसी के डैड दोनों को अपने मोटेल में ले आए थे। वो जेसी के साथ खाना खाते हुए कहते हैं कि ये जगह शहर से बहुत दूर है, यहाँ पर हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स कुछ काम के नहीं है और यहाँ पर अक्सर खाने की भी तंगी हो जाती है। जो बूढ़ा आदमी इनके साथ आया हुआ था वो जेसी के डैड से कहता है कि मुझे कमरा दिखा दे, मैं आराम करना चाहता हूँ। दरअसल इसे एक लड़की एंजली ने भेजा था जो जेसी के डैड के साथ मिलकर काम किया करती थी। इस काम के जेसी के डैड उसे पैसे दिया करते थे। मोटेल में बूढ़ा आदमी जेसी के डैड से अपने कमरे में जाने का कहता है और ये भी कहता है कि अगर उसे रहने का कमरा ना दिया गया तो वो अपने पैसे वापस ले लेगा। मगर जेसी के डैड कहते हैं थोड़ा इंतजार करो। फिर ये दोनों को मोटेल के बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर ये एक पूल और छत पर बनी हुई कुछ तस्वीरें देखते हैं। जेसी काफी हैरान था। अब जेसी के डैड कहते हैं कि तुम उस आदमी से कपड़े उतारने का कहो, तभी वो कमरे में जा सकता है। जेसी काफी हैरान होता है कि उसके डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनके कहने पर उस आदमी ने कपड़े उतार दिए थे। जेसी के डैड उसकी तस्वीर भी बनाते हैं पर वो आदमी थोड़ा परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वो आदमी डरा हुआ था मगर जेसी के डैड उसको डांटते हैं कि जाओ कमरे में, जिसके बाद वो अपने बेटे को कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर से सब कमरों को देखा जा सकता था। वहाँ रहकर सभी कमरों पर नजर रखी हुई थी। जेसी के डैड कहते हैं क्या तुम देखना चाहोगे कि उस कमरे में क्या हो रहा है। जेसी कहता है हाँ। तभी उसके डैड एक अलमारी खोलते हैं जिसके अंदर एक खुफिया दरवाजा बना हुआ था। वो बूढ़ा आदमी जब बेड पर लेटकर आराम करता है तो वो बेड अचानक से चिपचिपा होने लगता है और उस आदमी के जिस्म की हड्डियाँ टूट रही थी। जेसी भी ये सब बाहर खड़ा देख रहा था। उसे ये सब देखकर अजीब लगता है और सोचने लगता है कि एक बेड आखिर एक आदमी को कैसे खा सकता है। इसके बाद जेसी के डैड उसको एक बैग देते हैं और उस आदमी के बाकी जिस्म के हिस्सों को उठाने का कहते हैं। जेसी जब ऐसा कर रहा था तो उसको बेड के नीचे एक क्रिएचर दिखाई देता है। जेसी जैसे ही उसे देखता है उसे उल्टी आने लगती है। उसके डैड उसके पास जाते हैं, तभी उनकी उंगली से खून आ रहा था। वो उस खून को क्रिएचर को पिलाकर उसे शांत करते हैं और जेसी से कहते हैं कि इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैं आदमियों को ही लाता हूँ क्योंकि ये क्रिएचर सिर्फ आदमियों का गोश्त खाता है और औरतों पर इस किस्म का हमला करता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिससे एक और क्रिएचर पैदा होता है। अगले दिन जेसी मोटेल के बाहर एक लेडी को देखता है जो दरअसल कोई और नहीं बल्कि एंजली थी। वो फोन पर डॉक्टर से बात कर रही थी
क्योंकि उसका बेटा बीमार था। अब जेसी अंजलि के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो अंजलि के बारे में नहीं जानता था। जिसके बाद अंजलि जेसी के डैड के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका बेटा बीमार है, उसको पैसों की जरूरत है। जेसी के डैड उसे पैसे देते हैं और ज्यादा लोग लाने का कहते हैं। एक दिन जेसी के डैड और वो एक रास्ते पर जा रहे थे जहाँ से सभी बॉर्डर को पार करके आगे जाया करते थे। जेसी के डैड रास्ते पर एक ट्रैप लगा देते हैं, एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिससे आने वाले लोगों की गाड़ियाँ पंचर होंगी और लोग फिर पनाह लेने इनके मोटेल में आएंगे और ये बड़े ही आराम से उस क्रिएचर को लोगों को खिला सकेगा। वापस जाते हुए जेसी अपने डैड से कहता है, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो, आपने कैसे उस बुढ़े आदमी को उस क्रिएचर के हवाले कर दिया। उधर ही जेसी के डैड उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम मेरे काम को संभालो। वो उसको चाबियां भी देते हैं। इन्हीं बातों के दौरान जेसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जब होश में आकर अपने डैड को देखता है तो उसके डैड मर चुके थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके डैड मरने के बाद एक पेड़ में बदल जाते हैं। वो डर जाता है और गाड़ी से बाहर आता है। रास्ते में वो एक जाती हुई गाड़ी को रोककर उनसे मदद मांगने लगता है। उस गाड़ी में एक कपल था मगर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। जेसी अब उनको अपने मोटेल ले आया था जहाँ पर एंजली उसका इलाज करती है और उसे कहती है कि मैं 3 क्रिमिनल्स को अपने साथ लाई हूँ जिसके मुझे पैसे चाहिए। जेसी उसे कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे डैड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद जेसी उन लोगों से मिलने जाता है और उन्हें खाना भी देता है मगर खाना बहुत कम था। एक आदमी कहता है, ये खाना तो बहुत कम है और तो हमारा पेट भी तो नहीं भरेगा इससे। जिस पर जेसी उनसे झूठ बोलता है और कहता है, देखो ये जगह बहुत दूर है और मेरे डैड जल्दी खाना लेकर आ जाएंगे, वो खाना ही तो लेने गए हुए हैं। अब खैर, थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और जेसी कंट्रोल रूम में बैठकर सबकी बातें सुनने लगता है, क्योंकि उसके डैड ने यहाँ के हर कमरे में कैमरा लगाया हुआ था। वो कपल आपस में बात कर रहा था, उसमें से लड़का कहता है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मगर लड़की कहती है, अगर हम उस लड़के की मदद ना करते तो वो तो मर जाता ना, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर वो तीनों क्रिमिनल्स भी अपने घर जाने के बारे में बात कर रहे थे, तभी जेसी देखता है कि एंजलि उस क्रिएचर के कमरे को चाकू से खोलने की कोशिश कर रही थी। फौरन से जेसी उसके पास जाता है और उसे वो कमरा खोलने से मना करता है। एंजलि कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड ने पैसे इसी कमरे में छुपाए हुए हैं। वो समझाता है, कहता है, देखो बात समझने की कोशिश करो, उस कमरे में कोई पैसे नहीं है। मगर वो नहीं सुनती और दरवाजा खोल देती है और जाते ही उसमें पैसों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जब ये दोनों यहाँ से जाने वाले थे तभी उधर वो कपल आ जाता है जो जेसी को बचा कर लाया था। वो उस कमरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जेसी उन्हें अंदर आने से रोक रहा था मगर वो नहीं सुनते, उल्टा इसी को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। जब वो उस कमरे में क्रिएचर वाले बेड पर बैठते हैं तो वो क्रिएचर लड़के को अपने अंदर खींच लेता है, मतलब उसे खा लेता है और उस लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। बाद में जेसी दोबारा से जब उस कमरे में जाता है तो वो लड़की को बेहोश पाता है। वो लड़की को अपने साथ ले आया था जो बच गई थी, उसे साफ करके एक अलग कमरे में सुला देता है ताकि किसी को भी क्रिएचर का पता न चले। बाहर वो तीनों क्रिमिनल्स खाने के पीछे जेसी के साथ लड़ रहे थे, तभी सबको बेसमेंट से आवाज आती है। जब ये जाकर देखते हैं तो उधर पूल में वो लड़की थी जिसको जेसी अलग कमरे में सुला कर आया था, वो पानी में तैर रही थी। उस लड़की का पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था, उसके पेट में क्रिएचर का बच्चा था। वो दर्द से तड़प रही थी। वो सबसे कहती है कि कोई उसके पेट को काट दे और जो भी चीज उसके पेट में है उसे बाहर निकाल दे, मगर किसी के अंदर भी ऐसा करने की हिम्मत कहाँ थी। वो लड़की खुद ही अपने पेट को काट देती है। हम देखते हैं उसके पेट से अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है।
है और निकलते ही उधर एक आदमी पर हमला कर देता है, पर उसको उसके दोस्त बचा लेते हैं। वो क्रिएचर अब वहाँ से भाग गया था। जो तीन क्रिमिनल्स आदमी थे उनमें से एक जेसी से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो क्रिएचर हम सबको मार देगा। जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो देखते हैं किसी ने इनकी गाड़ी को पंचर कर दिया था। वो वापिस अंदर आकर एंजली से पूछते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर एंजली ही लाई थी। वो उससे कहते हैं, जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा। मगर तभी इन्हें बहुत खौफनाक ड्राउनी आवाज सुनाई देती है जो उसी क्रिएचर की थी जिसको जेसी के डैड ने रखा हुआ था। इसीलिए सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी यहाँ पर एंजली सबको बताती है कि जेसी के डैड ने मुझे ये जॉब दी थी कि मैं यहाँ पर लोगों को लाऊंगी, जिसके लिए वो मुझे पैसे देते थे। पर अब मुझे लगता है कि इसके डैड ने यहाँ पर बहुत सारे पैसे छुपाए हुए हैं। जेसी कहता है, ठीक है, तुम सब जगह को चेक कर सकते हो। जेसी उन्हें अपने साथ ले जाता है। उधर कमरे में बाकी दो क्रिमिनल्स रुक कर उस लड़की का ख्याल रख रहे थे जिसके पेट से क्रिएचर बाहर आया था। इस वक्त वो बेहोश थी। तभी उनमें से एक आदमी को दीवार की दरार में से आवाज आती है। जब ये अपना लाइटर जलाकर देखता है तभी उस आदमी के लाइटर से आग लग जाती है। उस दीवार में क्रिएचर की जड़ें थी जिस वजह से वो क्रिएचर जोर जोर से चीखने लगता है और उस आदमी को मार देता है। फिर छोटा क्रिएचर दूसरे आदमी को भी मार देता है। जब जेसी, एंजली और तीसरा क्रिमिनल आदमी जो इनके साथ था वो आते हैं तो वो उस लड़की से पूछते हैं जिसका वो ख्याल रख रहे थे कि आखिर इधर हुआ क्या था। वो बताती है कि क्रिएचर ने सबको मार दिया। तभी उधर एंजली उस छोटे क्रिएचर को देखती है और उसे गोद में उठा लेती है। कहती है, ये तो बहुत मासूम है, इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। तभी जेसी उस बच्चे को उठाकर जलती हुई आग में फेंक देता है और एंजली से कहता है, समझने की कोशिश करो, इससे सबकी जान को खतरा हो सकता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे के मरने से बड़े क्रिएचर को गुस्सा आ गया था। वो जोर जोर से चिल्लाता है। उधर ही क्रिमिनल आदमी एंजली को पानी में डुबोकर मारने वाला था क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। वही इन सबको यहाँ पर लाई थी। वो अपने दोस्तों की मौत का कसूरवार भी एंजली को बता रहा था। उससे कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन जेसी कहता है, देखो एंजली को छोड़ दो, सब मैंने किया है। वो उसे छोड़कर जेसी को पकड़ लेता है। मगर जेसी जब देखता है कि पानी में क्रिएचर आ चुका है वो उस क्रिमिनल आदमी को बातों में लगाता है। जब ही क्रिएचर उस आदमी पर हमला कर देता है मगर उस आदमी ने चाकू से उस क्रिएचर की जड़ को काट दिया था और खुद को बचा लेता है। साथ ही जेसी और एंजली भी इसी बात का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। अब वो यहाँ से उस लड़की को लेकर जाने वाले थे। उधर वो आदमी भी अभी इन्हें ढूंढ रहा था। यहाँ से बाहर जाते हुए वो लड़की बहुत सारा खाना देखती है। जेसी उसको बताता है कि ये तो हमने मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ था। तभी उधर क्रिमिनल आ जाता है। इस बार जेसी उसको क्रिएचर के कमरे में ले गया था और बेड पर फेंक देता है। मगर उस आदमी को समझ नहीं आती कि आखिर जेसी उसके साथ करना क्या चाहता था। वो जेसी पर हंसने लगता है और फिर जेसी पर हमला करके उसका गला दबाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेसी की वजह से ही उसके दोस्तों की जान गई है। उधर ही एंजली भी आ गई थी और उस पर चाकू से हमला कर देती है जिससे वो बेड पर गिर जाता है। बेड पर गिरते ही क्रिएचर आ गया था जो उसको खींच कर खा जाता है। अब जेसी और एंजली बाहर आ गए थे और गाड़ी को स्टार्ट करके उसके गर्म होने का इंतजार करते हैं। जेसी अंदर जाकर अपना सामान लेने जाता है। वो अब उसी क्रिएचर को देखता है जो अजीब एक पेड़ की तरह दिख रहा था। वो क्रिएचर जेसी पर हमला करने वाला था मगर उसकी जड़ें वहीं पर फंसी हुई थी, जिसके बाद जेसी ये फैसला करता है कि ये इसको खत्म कर देगा ताकि आइंदा ये क्रिएचर किसी को नुकसान न पहुंचाए। जैसे ही ये बेड वाले कमरे में जाता है उधर एंजली बैठी थी जो बैठकर रो रही थी क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। मगर जेसी उस बेड को आग लगा देता है। अब जब ये यहाँ से जाने वाले थे तभी एंजली को अपने पेट में
उन्हें कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब ये उस बेड पर बैठी थी तो क्रिएचर ने इस पर भी हमला करके इसे प्रेग्नेंट कर दिया था। एंजली दूर जाकर अपने पेट को काट कर उस क्रिएचर के बच्चे को बाहर निकाल देती है। जेसी जब उस बच्चे को मारने लगता है तो एंजली उसको मना करती है। वो बच्चा भी वहाँ से भाग गया था। वो लड़की जो जेसी के साथ थी वो अकेले गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी गाड़ी रुक जाती है। हम देखते हैं कि उसके जिस्म से जड़ें बाहर आ रही थी। वो लड़की भी मर जाती है, उधर एंजली भी मर जाती है। जेसी उसे पकड़कर बहुत रोता है। जब ये इस जगह से जा रहा था तभी ये एक पेड़ में अपने डैड की शक्ल देखता है। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके डैड की लाश इसमें हो। वो उनसे सॉरी कहता है, सॉरी डैड कि मेरी वजह से आपकी मौत हो गई। जाते हुए वो अपनी मॉम के ख्यालों को भी देख रहा था और चला जाता है। हमने कहानी के शुरू में देखा था कि क्रिएचर जिसको भी मारता था उसको पेड़ दरख्त में बदल देता था, और जो औरत शुरू में मरी थी वो जेसी की मॉम थी, और जिस आदमी ने चोरों को मारा था वो जेसी के डैड थे, और उस क्रिएचर को अपना बेटा मानकर उसे अपने साथ मोटेल में रख लिया था, ताकि जो भी इनके मोटेल में आए वो उस क्रिएचर को खिलाकर उसका पेट भर सके। मगर इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि ये क्रिएचर आखिर आया कहाँ से था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।